क्लास सेवेंथ। वेलकम टू द क्लास। बच्चों आपका लेसन नंबर 16 शिक्षा प्रद सूक्तया सूक्ति संचय है। ये वाला पार्ट हमने सूक्तियों के विषय में जाना था, जिसमें से हमने फर्स्ट फाइव कर ली थी। आगे की आज हम करेंगे, ये है आपका 6 नंबर धर्मेन हीनहा पशुभी समाना। धर्मेन यानी धर्म से, हीनहा यानी हीन होना, कम होना। धर्म से हीन होना पशु होने के समान है, यानी आप मनुष्य हैं तो आप अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करें। नेक्स्ट है विषम सभा दरिद्रस्य। विषम सभा दरिद्र की सभा, दरिद्रस्य यानी दरिद्रों की, गरीबों की। तो यहाँ पर अज्ञानी लोगों से इसका संदर्भ है। दरिद्रों की सभा विष के समान होती है, अर्थात अज्ञानी की संगति कैसी होती है, विष के समान। नेक्स्ट है अति दर्पे हता लंका। अति दर्प यानी अत्यधिक अहंकार, अत्यधिक अहंकार से लंका का विनाश होता है, अर्थात जो अहंकार है वही क्या है, मनुष्य के विनाश का कारण। नेक्स्ट है अत्यादर शंकनीय। अत्यादर यानी अति आदर, अत्यधिक आदर या सम्मान देना कैसा होता है, शंका के का कारण। नेक्स्ट है उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी। उद्योगिनम माने होते हैं मेहनत करने वाला, तो परिश्रमी व्यक्ति ही को, परिश्रमी व्यक्ति को ही लक्ष्मी सिंह के समान वरण करती है, यानी जो व्यक्ति मेहनती है उस मेहनती व्यक्ति के पास ही लक्ष्मी होती है। नेक्स्ट है मानो ही महताम धनम। तो मान यानी सम्मान, सम्मान ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है, अर्थात आदर ही सब कुछ है। नेक्स्ट है इतो भ्रष्ट स्ततो भ्रष्ट है। यहां वहां भटकना नाशवान होता है, यानी लक्ष्य पर केंद्रित होकर कार्य करना चाहिए। अगर आप लक्ष्य से हीन हैं और यहां वहां कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि वो एक लक्ष्य पर केंद्रित नहीं है, तो वो बेकार है, नाशवान होता है। एंड लास्ट है पंडितो अपि वरम शत्रु न मूर्खो हितकारक है। इसका अभिप्राय है ज्ञानी एवं पंडित, है ना, ज्ञानी एवं पंडित यानी विद्वान व्यक्ति यदि शत्रु भी होता है तो वह श्रेष्ठ है, उत्तम है, ठीक है। न मूर्खो हितकारक है, और अगर मूर्ख व्यक्ति यदि आपका हित करने वाला भी है तो भी वह त्याज्य है, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति सदैव आपको अच्छे और सदमार्ग पर चलाएगा। इसके विपरीत मूर्ख व्यक्ति आपका हित चाहने पर भी अपनी बुद्धि के अभाव में आपका मूर्ख कर सकता है, आपके लिए मूर्खतापूर्ण कार्य कर सकता है या सुझा सकता है। अतः मूर्ख हितकारी होने पर भी त्याज्य है, ठीक है। ज्ञानी एवं पंडित व्यक्ति यदि शत्रु है तो भी वह श्रेष्ठ है और हितकारी है, उत्तम है, और मूर्ख यदि हितकारी है तो वह त्याज्य है, ठीक है। आई होप बच्चों की आपको सभी सूक्तियां क्लियर हो गई होंगी और स्पष्ट हो गई होंगी। अगर कुछ दिक्कत होगी तो आप क्लास में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।